कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वह आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, करते करते यहां तक पहुंच गई। मेरा पीछा क्यों तुम लोग मुझे चैन से नहीं जीने दे सकते? क्यों? प्रॉब्लम क्या है आखिर तुम लोगों की? साहिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये जानना चाहती थी कि अनन्या को गायब करने के पीछे किसका हाथ है, तो पता चल गया। जरूर तुम्हें तनु ने मेरे पीछे लगाया होगा। कमाल है साहिल, कोई कुछ भी करता है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसके पीछे तनु का हाथ है? तो अगर ये काम तुमने तनु के कहने पर नहीं किया तो तुम्हारा क्या पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है मेरा पीछा करने में? सही कह रहे हो तुम, मैं तुम्हारा पीछा तनु की भलाई के लिए कर रही थी, लेकिन तनु ने मुझे ऐसा करने को नहीं कहा था। कैसे आदमी हो तुम जो समझ ही नहीं पाते, अपनी इतनी वफादार पत्नी पर शक करते हो, अनन्या को खुद गायब करके उसे गुमराह करते, अपनी बहन पूर्वा की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से करवा रहे हो। साहिल, क्या कर रहे हो तुम? जितने लोगों को तुम प्यार करते हो उन सबको ही दुख पहुंचा रहे हो। ये मेरा प्राइवेट मैटर है पायल, तुम इसमें ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। और जहां तक बात रही पूर्वा की शादी की, मैं उसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ कर रहा हूँ जो शरीफ है, इज्जतदार है। ये बात तुमसे राजलक्ष्मी मौसी ने कही है ना? लेकिन ये बात सच नहीं है साहिल। यही सच है, और तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी बहन, उसके बारे में जो भी फैसला करना है वो मैं करूँगा, तुम नहीं। लेकिन पूर्वा को तो अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है ना? तुमने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है? उसकी राय अब कोई मायने नहीं रखती, और वैसे भी मैं जो करूंगा उसके भले के लिए करूंगा। आदित्य के छोड़ने के बाद पूर्वा के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो हमको करना ही होगा। तुम अपनी सगी बहन के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो? तुम मेरी सगी बहन, तुम्हारी तो नहीं है, तो तुम जाओ यहां से। इस तरह नाराज क्यों हो रहे हो?
पायल तो पूर्वा की खुशी के बारे में ही बात कर रही है ना। अनन्या तुम बीच में मत बोलो, तुम नहीं जानती इस पायल। और तुमसे और रोज मैंने पहले भी कहा था कि तुम लोग अपनी हद में रहो। तुमने आज अनन्या को यहाँ पर देख लिया, लेकिन अगर ये बात तुम्हारे मुंह से निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम एक बात याद रखो कि अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें दोषी समझूंगा और उसकी सजा भी तुम्हें देने से नहीं चूकूंगा। तो तुम मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना पायल। मैंने हमेशा तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे हमेशा गलत समझते हो। तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आता कि कौन तुम्हारा भला चाहता है और कौन बुरा? मुझे नहीं समझना है, मुझे कुछ भी नहीं समझना है। और तुम चली जाओ प्लीज यहां से अभी फिलहाल। पता नहीं लोगों को मेरी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है। साहिल अभी तुम होश में नहीं हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैं होश में नहीं, पागल हो गया हूं मैं, पागल। तुम जो कह रही हो सब कुछ सही है। साहिल जब राजलक्ष्मी मौसी की सच्चाई तुम्हें पता चलेगी तब क्या गुजरेगी तुम्हारे दिल पर, कैसे बर्दाश्त कर पाओगे तुम उनके विश्वास को? मैं तो खुद साहिल को सारी सच्चाई बता दूं, लेकिन जिस दिन वो सारी सच्चाई जान जाए, जिस दिन उसे ये पता चल जाएगा कि मैंने कब कब और किस किस तरह से उसे धोखा दिया है वो तो बेचारा पागल हो जाएगा। उसके दिल में मैंने ऐसी जगह बना ली है जहां उसने मेरे प्यार और विश्वास की इस राजलक्ष्मी की एक सूरत को बसा रखा है। और जिस दिन ये मूरत टूटेगी उस दिन वो भी खुद टूट जाएगा। ऐसा सदमा लगेगा उसे कि जिंदगी भर वो इस सदमे से नहीं निकल पाएगा। राजलक्ष्मी नाम है मेरा और मेरी कुंडली में लक्ष्मी पर राज करने का योग लिखा है, और इस लक्ष्मी को पाने के लिए ये राजलक्ष्मी किसी भी हद से गुजर सकती है। इतनी बात तो मैंने आपसे खुद भी कही थी कि आप साहिल की सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा साहिल मुझे वापस लौटा दीजिए, हमारा पीछा छोड़ दीजिए आप। लेकिन नहीं, अब तो आपके सच से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भले ही मैं आपको कितना भी कह लूं कुछ भी कह लूं लेकिन आप साहिल को सच्चाई नहीं बताएंगी। झूठ और फरेब का अगर दूसरा कोई नाम है ना तो वो है राजलक्ष्मी, और अगर आप वादा करेंगी तो वो भी तोड़ देंगी, यही तो फितरत है आपकी। शाबाश शाबाश, तुम जो कुछ भी कह रही हो ना इससे मुझे कतई इनकार नहीं है, बल्कि ये तो मेरी तारीफ है तनु। अब लक्ष्मी पाने के लिए ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है, बहुत मामूली सी बात है ये। हाँ क्या, किसी की जिंदगी बर्बाद करने को आप मामूली बात कहते हैं? कोई पागल हो जाए, किसी का भरा पूरा परिवार बिखर जाए, ये आपके लिए मामूली सी बात है? हाँ तनु, बहुत मामूली सी बात है। अपने मकसदों को हासिल करने के लिए किसी के सिर पर भी पांव रखकर आगे बढ़ सकती है ये राजलक्ष्मी। लोगों को ठोकर मार सकती है, नाचे बिछा सकती है ये राजलक्ष्मी। वाह मौसी वाह, लाशें बिछाने में तो आप माहिर हैं। लेकिन जिस दिन आपकी काली करतूतों का पता पुलिस को चलेगा उस दिन जेल में बैठकर चक्की पीसेंगी, तब वही हवालात में साहिल की जायदाद को हजम करने की प्लानिंग कीजिएगा। पायल तुम तो मेरी सगी भांजी हो और मैं तुम्हारी मौसी हूं, अपनी मौसी से कोई इस तरह बात करता है क्या? और मौसी का मतलब समझती हो?
माँ जैसी। आओ बेटा मेरे गले लगो। आप दूरी रहिए मुझसे। चलो तुम कहती हो तो मैं तुमसे दूर ही रहूंगी, लेकिन तुम इस घर के बहुत करीब आ गई हो ना, तो पूर्वा की शादी की तैयारियां कर। तो अब मुझे क्या करना है ये आप बताएंगी? नाराज क्यों हो रही हो पाए? मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि साहिल से तुम्हारा पुराना रिश्ता है, इसलिए उस पुराने रिश्ते की नजदीकी की वजह से तुम इस घर के करीब हुई ना। आप क्या कहना चाहती हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए, मैं अभी अभी साहिल और अनन्या से मिलकर आई हूँ और उन्हें बताकर आई हूँ कि आपने पूर्वा के लिए जो लड़का देखा है वो ठीक नहीं है। क्या तुम अनन्या से मिलकर आई? नहीं तो। लेकिन अभी अभी तुमने मुझसे कहा कि साहिल और अनन्या से तुम बात करके आ रही हो। हाँ पायल, अनन्या तो गायब है ना, फिर तुमने अनन्या का जिक्र कैसे कर दिया? पर मैंने तो अनन्या का जिक्र किया ही नहीं। हो सकता है गलती से उसका नाम मेरे मुंह से निकल गया। वो क्या है ना तनु, कि जब से अनन्या के गायब होने की बात हुई है ना, तब से कहीं ना कहीं उसका ख्याल मेरे दिमाग में रहता है। शायद इसीलिए उसका नाम गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा। हाँ पायल, हो सकता है। और मौसी, मैं आपको अब भी कह रही हूं कि आप पूर्वा की शादी उस आदमी से कराने की बात दिमाग से निकाल दीजिए। मैं चलती हूं तनु, फिर आऊंगी। हाँ बोलो। तनु भाभी, साहिल भैया का फोन आया था, बहुत नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि अगर मयंक ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा तो वो उसे जान से मार देंगे। क्या? मयंक को कुछ नहीं होना चाहिए तनु भाभी, प्लीज। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। और एक बात पूछनी थी भाभी, मयंक और काम्या के रिश्ते के बारे में आप क्या जानती हैं? वो हमें बताइए। क्या मयंक ने शादी से पहले काम्या के साथ कुछ गलत किया था? देखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ इस बारे में। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तुम्हें खुद फोन करती हूँ। हाँ कुछ छुपा तो नहीं रही थी? साहिल भैया क्या कह रहे थे, मयंक ने काम्या के साथ क्या किया था? कहां थे आप? कब से हम आपका मोबाइल ट्राई कर रहे थे, आपका मोबाइल भी नॉट रीचेबल आ रहा था, आप हमें फोन नहीं कर सकते थे? अरे बस करो, कितने सवाल पूछोगे, और इतने सारे सवालों का मैं एक साथ जवाब कैसे दूंगा? वैसे बात यह है कि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए नॉट रीचेबल था, और इसीलिए मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सका। सिंपल। आप साहिल भैया को फॉलो कर रहे थे ना? हाँ। आपको अनन्या के बारे में कुछ पता चला?
नहीं, अभी तक तो नहीं। आप एक बात बताएंगे, काम्या के साथ आपकी क्या प्रॉब्लम हुई थी? काम्या? ये अचानक काम्या का जिक्र क्यों किया तुमने? नहीं, बस वैसे ही। नहीं पूजा, कोई बात तो है। तुमने वैसे ही मुझसे ये बात नहीं पूछी। क्या बात? कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम तो बस तारा के बारे में सोच रहे थे कि काम्या ने आपकी बेटी को पाला है तो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्या हुई होगी। ओ, ये बात है, ये मैं तुम्हें फिर कभी आराम से बैठकर बताऊं। तारा कहाँ है? अंदर कमरे में। आपको क्या बताएं मयंक, जो खौफनाक बात तारा के बारे में नानी माँ ने बताई है उसके सच्चाई का पता काम्या के जरिए ही चल सकता था, या फिर आप खुद ही पता लगाइए। भगवान करे कि ये बात झूठ नहीं। दरवाजा खोलो। देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ियां लेकर आई हूँ। कल वो लड़के वाले आ रहे हैं ना तुम्हें देखने के लिए। अब जल्दी से दरवाजा खोलो और ये साड़ियां पसंद करो। देखो पूर्वा, ये शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। कब तक तुम अपने भाई के घर में इसी तरह पड़ी रहोगी? कब तक अपने भाई पर बोझ बनी रहोगी? हाँ, तुम यहाँ रहोगी तो साहिल की कितनी बदनामी होगी, है ना? अपने बारे में न सही, कम से कम अपने भाई साहिल के बारे में तो सोचो। अब तो मैं शादी से नहीं बच सकती पूर्वा। हाँ, एक तुम बच सकती, फांसी लगा लो, बच जाओगी। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मेरे बताए हुए लड़की से शादी कर। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है ना पूर्वा। बेस्ट ऑफ लक। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर